शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगीय धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क नितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा में पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक और तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानों पर तालाबंदी होने लगी है। खंडवा जिले में खंडवा, किलोड और हरसूद जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के लिए पहले चरण में मतदान होना है। पहले चरण के लिए खंडवा जिले के खंडवा, हरसूद व किलोड विकासखंड में 25 जून को मतदान संपन्न होगा। 48 घंटे पहले शराब दुकानों पर आबकारी विभाग की टीम ने सील बंद करने की कार्रवाई की। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार भी थम गया है, इसके साथ ही अब निर्विघ्न रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए टीमें अलर्ट हो गई हैं। बता दें कि खंडवा क्षेत्र के लिए 192 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 27 संवेदनशील व 4 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा हरसूद क्षेत्र के लिए 130 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें से 15 संवेदनशील व 6 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल है। वहीं मलनी क्षेत्र के लिए 75 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें से 5 संवेदनशील व 12 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल है। पंचायत निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण 25 तारीख को मतदान होना है खंडवा विकास खंड ग्रामीण क्षेत्र में। तो उसी के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग के आदेश हैं कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जहाँ जहाँ मतदान होना है उन मदिरा दुकानों को बंद किया जाना है। तो उसी के तारतम्य हम मदिरा दुकानें आज बंद की जा रही है। इसमें खंडवा शहर की 17 दुकानें बंद हो रही है और तथा ग्रामीण क्षेत्र की भी दुकानें और जितने भी FL3 होटल बार हैं वो भी हम सील बंद कर रहे हैं। उसके लिए हम सतत निगरानी रखेंगे, दुकानों पर गश्त करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।